राकेश सैनी आर एस एन so, महारिविजन में बेटा हीट आपका कंप्लीट हो गया था आज जो टॉपिक पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं या जो डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने क्यों बोला एक्चुअली एक्चुअली इसमें क्या होता है बेटा एक पर्टिकुलर पैटर्न के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं यानी बहुत वराइटीज़ नहीं होती हैं जैसे मैकेनिक्स है हीट है एस एच एम वेव है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स है इसमें काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं इनमें गिने चुने कुछ फॉर्मूलाते हैं उसी पर बेस क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा वैराइटी वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें ठीक है फिर भी हम स्टार्ट करते हैं बेटा और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अच्छे से अच्छे से क्वेश्चन को समझते जाएँ ताकि आपके मतलब ये वाला पूरा लेक्चर आप देख लेंगे ना तो लगभग सारी वेरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे फिर मान के चला एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा यंग्स मॉडुलस ऑफ ऑफ रबर रबर स्ट्रिंग एट मीटर लॉन्ग बेटा एक का स्ट्रिंग है कोई रस्सी है जिसकी लंबाई आपको कितनी दे दी एट सेंटीमीटर राइट डेंसिटी आपको दे दिया बहुत अच्छी बात जनरली डेंसिटी आपको क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती लेकिन इसमें डेंसिटी आपको दिया 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और साथ में यंग्स मॉडुलस भी आपको दे दिया बेटा 5 इंटू टेन टू पावर एट इन चैप्टर्स में खास बात बोलूंगा बेटा जो डाटा दिया ना वैसे लिखो तो आपको फॉर्मूला थोड़ा क्लिक करेगा क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है तो आपके डाटा से समझ में आने लगता है ये बोल रहा in है सस्पेंडेड इन सीलिंग ऑफ ए रूम द इंक्रीज इन लेंथ आपसे पूछा बेटा ड्यू टू इट्स ओन वेट एक बात तो ये क्लियर है तो बेटा हमें समझ में आता है यंग्स मॉडुलस पे एक ही तो फार्मूला पढ़ते हैं फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अब ये डेल्टा एल की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा बेटा एफ एल अपॉन ए वाई ठीक है यहाँ तक समझ आया बेटा जब भी किसी ओन वेट के कारण पूछा जाए रस्सी है तो इसका पूरा जो मास कंसेंट्रेट होता है वो सेंटर मास में होता है तो लेंथ एल बाई टू लेते हैं तो बेटा फोर्स की जगह तो मैं लिखूंगा एम जी लेंथ की जगह लिखेंगे एल बाई टू ए इंटू वाई राइट आगे बढ़ते हैं इसमें अब डेल्टा एल इक्वल टू बेटा मास क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मास को मैं लिखूँगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और डेंसिटी को लिख दें एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एल अपॉन टू ए भाई ए से ए कैंसिल हो गया तो फाइनली फॉर्मूला मिला हाफ ऑफ रो जी एल स्क्वायर अपॉन वाई बस ये बेटा वैल्यू पुट करना है तो हाफ डेंसिटी का वैल्यू वन पॉइंट फाइव डेंसिटी का वैल्यू बेटा वन पॉइंट फाइव जी का वैल्यू टेन लेंथ का वैल्यू एट सेंटीमीटर स्क्वायर तो सिक्सटी फोर इंटू टेन टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया और वाई का वैल्यू आपके पास कितना दिया बेटा फाइव इंटू टेन टू पावर एट अब बेटा इसको सॉल्व कर लें तो वन पॉइंट फाइव फाइव इंटू टू टेन टेन से टेन कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा बेटा फिफ्टीन इंटू सिक्सटी फोर और ये हो गया टेन टू पावर माइनस फाइव और नीचे चल रहा है बेटा टेन टू पावर एट तो ये बेटा ऊपर चला जाएगा टेन टू पावर माइनस थर्टीन बन के तो ये हो गया बेटा फिफ्टीन इंटू सिक्सटी फोर फिफ्टीन इंटू फोर सिक्सटी फिफ्टीन इंटू सिक्स तो नाइन सिक्सटी इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टीन सो आंसर विल बी नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन तो आपका बी आंसर आ जाएगा राइट right बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए वेन ए वेट ऑफ टेन किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ थ्री मीटर एंड डायमी दिस वन बेटा फर्स्ट केस में लेंथ दिया हुआ है आपको फर्स्ट केस में लेंथ दिया हुआ है आपको थ्री मीटर और डायमीटर डी वन ये आपको दिया हुआ है पॉइंट फोर एम एम इंक्रीज इन लेंथ हुआ है बेटा इसके इसमें टू पॉइंट फोर अब क्या हो रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड बेटा डायमीटर जो है वो आपने टू टाइम्स कर दिया अब आपसे बोल रहा है एक्सटेंशन इन लेंथ कितना होगा बेटा डेल्टा एल इक्वल टू अभी एक फार्मूला पढ़ा था वापस कोई देख रहे हैं एफ अपॉन वाई ए इन टू एल यंग्स मॉडुलस वाले फार्मूला से राइट तो बेटा डेल्टा एल प्रोपोर्शनल हो गया वन अपॉन ए डेल्टा एल प्रोपोर्शनल हो गया पाई पाईआर स्क्वायर बेटा डायमीटर डबल हुआ है तो रेडियस भी डबल हुआ है यानी डेल्टा एल जो हो जाएगा वो वन बाई फोर टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ये डबल हो गया तो डेल्टाइल वन बाई फोर टाइम्स हो जाएगा तो पहले कितना था बेटा टू पॉइंट फोर अब इसका बाय फोर यानी पॉइंट सिक्स आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर आपका आएगा बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया थ्री मिलीमीटर बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है थ्री मिलीमीटर स्क्वायर दैट मीन थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स टेम्परेचर बेटा शुरू में ट्वेंटी डिग्री है ठीक है इनिशियल टेम्परेचर आपको दे दिया ट्वेंटी अब क्या बोल रहा है डिटर्मिन द टेंशन ऑन द वायर टेम्परेचर फॉल्स टू टेन डिग्री कॉफिशन और लीनियर एक्सपेंशन आपको दे दिया वाई आपको दे दिया अल्फा आपको दे सब चीज़ दे दी देखो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स पॉइंट एट ए टेम्परेचर ऑफ ट्वेंटी डिग्री डिटरमाइन द टेंशन वन द टेपरेचर फॉल्स टू टेन डिग्री मतलब बेटा टेम्परेचर में जो चेंज हो गया वो आपका टेन डिग्री का हो गया तो आपसे क्या पूछ रहा है डिटरमाइन द टेंशन कितना टेंशन उस पर आ जाएगा वो आपसे पूछ रहा है अब देखो बेटा जब भी टेम्परेचर में चेंज होता है तो लेंथ के लिए फॉर्मूला पड़ता है डेल्टा एल इक्वल टू एल एल ये हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा हुआ है तो बेटा डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू हो गया अल्फा डेल्टा टी ये तो थर्मल एक्सपेंशन से लिया जबकि इलास्टिसिटी से हम पढ़ते हैं बेटा वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल तो इससे डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू इससे डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू क्या हो गई एफ अपॉन ए बाई तो बेटा डेल्टा एल बाई एल यहाँ से भी पता लग रहा है डेल्टा एल बाई एल यहाँ से भी पता लग रहा है दोनों को अगर इक्वेट कर दे तो एफ़ अपॉन ए वाई इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी तो एफ इक्वल टू हो जाएगा बेटा वाई ए अल्फा डेल्टा टी यही टेंशन या फोर्स पूछ रहा है बेटा वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है टू इंटू टेन टू पावर इलेवन ठीक है सर एरिया दिया हुआ है आपको थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स ये भी सही है अल्फा की वैल्यू दिया हुआ बेटा टेन टू पावर माइनस फाइव जी सर और डेल्टा टी कितना बेटा टेन टेन का टेम्परेचर चेंज हुआ ट्वेंटी से टेन अब बेटा सॉल्व कर लो तो टू इंटू थ्री सिक्स और टेन की टोटल पावर कितनी हो गई माइनस सिक्स और माइनस फाइव माइनस इलेवन इलेवन को कैंसिल तो टेन बचेगा सिक्स राइट का ब्रेकिंग स्ट्रेस इज सिक्स इंटू टेन टू पावर बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस ये आपको दे दिया सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स डेंसिटी आपको दे दिया बेटा एट इंटू टेन टू पावर थ्री मैक्सिमम लेंथ ऑफ वायर पूछा है बेटा जिससे कि ये अंडर इट्स ओन वेट ब्रेक कर जाए अपने खुद के वेट के कारण जैसे एक लंबी सी रस्सी आपने लटका दी अब उसके खुद के वज़न के कारण नीचे खींचेगा ये तो बेटा मैक्सिमम कितना लेंथ की रस्सी हो कि अपने खुद के वजन के कारण ब्रेक हो जाए बेटा स्ट्रेस की जब भी हम बात करते हैं तो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स को बेटा क्या लिखेंगे एम जी अपॉन एरिया मास किसने बात नहीं की है तो मास को क्या लिखते हैं बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एरिया और बेटा वॉल्यूम को क्या लिख दें एरिया इंटू लेंथ रो जी अपॉन एरिया तो बेटा ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है एल रो जी अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू एल रो जी अब बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको दे दिया सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स लेंथ कैलकुलेट करना डेंसिटी आपको दे दिया एट इंटू टेन टू पावर थ्री और जी हो गया बेटा टेन तो लेंथ का वैल्यू होगा सिक्स अपऑन एट टेन टू पावर सिक्स इधर टेन टू पावर फोर इधर तो बेटा सिक्स हंड्रेड हो जाएगा तो सिक्स हंड्रेड अपऑन एट सेवेंटी फाइव आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम सेवेंटी फाइव मीटर का ये रस्सी हो सकती थी बेटा राइट तो ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ए बॉल फॉलिंग इन लेक ऑफ डेप्थ टू हंड्रेड मीटर शोज पॉइंट वॉल्यूम बेटा देखो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है डेल्टा वी बाई वी ये कितना है पॉइंट वन परसेंट राइट ऐसा क्वेश्चन दिया कितना डेप्थ में आप गए बेटा आप गए 200 मीटर डेप्थ में तो बल्क मॉडुलस पूछा यार बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेन हो गया डेल्टा वी बाय वी क्योंकि कौन सा वॉल्यूम स्ट्रेन वॉल्यूम की बात करेंगे और प्रेशर में चीज नीचे जाने का इतना हुआ बेटा जब भी आप कहीं पर किसी वाटर में अंदर की तरफ जाते हैं तो जितना अंदर जाएंगे प्रेशर में जो चेंज आता है वो आता है रोजी एच अपॉन डेल वी बाय वी अब देखिएगा थोड़ा सा स्मार्टली वैल्यू पुट करें रो का वैल्यू टेन टू पावर थ्री जी का वैल्यू टेन एच का वैल्यू टू हंड्रेड बेटा देखो वॉल्यूम में पॉइंट वन परसेंट का चेंज किया है मतलब अगर इनिशियल वॉल्यूम सौ है अब चेंज हो गया पॉइंट वन ये आपको पता लगा तो बेटा यहां से देखिएगा टू इंटू टेन टू पावर टोटल कितने हो गए थ्री और वन फोर और टू सिक्स आप बोल सकते नाइन एट हुआ तो बेटा यहां से इसको लिख दे ट्वेंटी इंटू टेन टू पावर एट तो टेन टू पावर एट आपका आंसर आ जाएगा राइट जी को इसने नाइन लिया होगा हमने 10 ले लिया बस इतना से तो फर्क पड़ता है बेटा इससे ज्यादा तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम बेटा दो वायर है दोनों का क्या क्या सेम है मटेरियल सेम पहली चीज तो मटेरियल सेम इसका मतलब वाई सेम हो गया मटेरियल से क्या डिसाइड होगा वाई सेम हो गया वॉल्यूम दोनों का सेम बोला है आपने कहा सर ठीक है वॉल्यूम भी सेम हो गया फर्स्ट वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है सेकेंड का क्रॉस सेक्शन एरिया थ्री है लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इंक्रीज बाय डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ एफ बेटा इस पर जब एफ फोर्स लगाया तो डेल्टा लेंथ में चेंज हुआ है तो क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट इसमें भी बेटा डेल्टा एल का इंक्रीमेंट मुझे चाहिए तो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है कितना हो जाएगा बस इतना सॉल्व करना था। अब बेटा सारे फॉर्मूला पे जाए तो हमें समझ में आता है वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यहां से बेटा F इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये हो गया बेटा वाई ए डेल्टा एल बाय क्वेश्चन में सेम चेंज करना है लेंथ में मटेरियल सेम है तो फोर्स का वैल्यू अल्टीमेटली डिपेंड किया A अपॉन एल पर और बेटा इसने एरिया के बारे में तो कुछ नहीं बोला है और वॉल्यूम तो सेम बोला है ना भाई तो एक काम करें लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें अगर इसको हम या ए तो ये वॉल्यूम बन जाएगा बेटा राइट या एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें क्योंकि तो हमारे पास क्या है एरिया दिया हुआ है लेंथ नहीं दिया हुआ है तो मैं एक काम करूँ एफ प्रपोर्सनल ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड तो एफ प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम है तो एफ प्रपोर्सनल टू ए स्क्वायर अब एरिया कितने टाइम्स हो गया बेटा थ्री टाइम्स एरिया आपका हो गया टाइम्स तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा नाइन टाइम्स ए स्क्वायर राइट अगर सपोज इसी क्वेश्चन में थ्री ए की जगह लेंथ देता और एरिया सेम कर देता तो बेटा मैं इसको एल से मल्टीप्लाई करके ऊपर वॉल्यूम बन जाता नीचे एल होता तो, तो, तो एल स्क्स आता तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ध्यान रखिए एक क्वेश्चन मैंने कराया दूसरा फिर आप इस तरह से अपने आप भी सोच सकते हैं कि जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ये बेटा एक्चुअली एस एच एम का क्वेश्चन है यहाँ भी कर लेते हैं इसको क्योंकि हमने एस एच एम का बेटा एस एच एम जब भी कोई पेंडुलम कर रहा होता है ना तो उसका टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है तो हमें एक बात तो समझ में आ गया टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल अब बेटा अगर उस पर कोई वायर आपने कोई वजन आपने लगा दिया उससे उसका लेंथ में चेंज हो गया तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी चेंज होगा तो क्या मैं ऐसा लिखूँ टी डैश बाई टी इक्वल टू रूट एल डैश बाय एल यहाँ से बेटा टी डैश बाय टी का स्क्वायर इक्वल टू एल डैश बाई एल मैं दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा टी डैश बाई टी माइनस वन इक्वल टू एल डैश बाई एल माइनस वन ऐसा क्यों किया ये बन गया बेटा टी डैश बाई टी का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल अब डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कहाँ से लाए यंग्स मॉडुलस होता है वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल तो यहां से बेटा डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू मिल गई एफ अपॉन ए वाई ठीक है डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू रख दो तो टी डैश बाई टी का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई बेटा वन अपॉन वाई की वैल्यू पूछा है इसने तो बेटा यहाँ से वन अपॉन वाई इक्वल टू हो गया ए अपॉन एफ टी डैश अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस वन क्वेश्चन में एफ को एम जी लिखा हुआ तो है तो वन अपॉन वाई इक्वल टू ए अपॉन एम जी टी डैश बाय टी का स्क्वायर माइनस वन ये आपका आंसर आ जाएगा राइट ठीक है तो एचसीएम शायद आपने एचसीएम वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने कराया था तो सेम चीज है बेटा एन एक्सटर्नल प्रेशर पी इज अप्लाइड ऑन ए क्यूब एट जीरो डिग्री सो दैट इट इज इक्वली कंप्रेस्ड सो ऑल साइड्स के देखो बेटा ये क्या बोल रहा है एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया पी पर एक क्यूब ऐसा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है टफ नहीं है एक क्यूब ऐसा ठीक है सर क्यूब बना क्यूब बना दिया हमने अब क्यूब के सब तरफ से आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो ऐसे कितना प्रेशर लगाया आपने पी e. ऐसा करने पर जीरो डिग्री सो इक्वली कंपेस्ट फ्रॉम ऑल साइड के इज द बल्क मॉडल बेटा बल्क मॉडल्स आपको दे दिया के मटेरियल ऑफ क्यूब बल्क मॉडल ऑफ मटेरियल ऑफ द क्यूब एंड अल्फा इज द कॉफिशंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा आपको दे दिया कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सपोज वी वॉन्ट टू ब्रिंग द क्यूब इन ऑरिजिनल साइज और टेम्परेचर शुड भी देखो इस तरह से प्रेस करने से तो आपने इसका वॉल्यूम को घटाने की कोशिश किया और टेम्परेचर बढ़ा के वॉल्यूम वापस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा टेम्परेचर कितना बढ़ाएँ सपोज वी वॉन्ट टू ब्रिंग द क्यूबिट्स ऑरिजिनल साइड दैट टेम्परेचर शुड भी रेज टेम्परेचर पूछना चाह रहे हैं बेटा एक तो हमें फॉर्मूला समझ में आता है बल्क मॉडुलस का बल्क मॉडुलस इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन डी वी बाई वी बेटा बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है पी और ये हो गया बेटा डी वी बाई वी यहाँ से डी वी बाई वी की वैल्यू मिल गई पी अपॉन बी ये तो अपना इलास्टिसिटी वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट आया ठीक है सर दूसरा कॉन्सेप्ट कहाँ से लें दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं बेटा कहाँ से थर्मल एक्सपांशन टेम्परेचर की बात कर करें बेटा वहां पे पढ़ते हैं आप डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी तो बेटा डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू हो गया गामा डेल्टा टी दोनों को इक्वेट कर दें तो पी बाय बी इक्वल टू गामा डेल्टा टी बेटा क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा है वो लीनियर एक्सपांशन दिया हुआ है तो P अपॉन बी इक्वल टू थ्री अल्फा डेल्टा t तो बेटा डेल्टा t हो जाएगा P अपॉन थ्री अल्फा P अपॉन थ्री अल्फा B uh, B है ये B को बेटा K लिख रहा है क्वेश्चन में इसलिए हम K लिख देते हैं तो डेल्टा टी हो जाएगा P अपन थ्री अल्फा B क्वेश्चन में B के जगह इसको क्या बोला है K तो आप K के फॉर्म में आंसर ठीक कर दो P अपन थ्री अल्फा के थ्री अल्फा बी भी एक ही बात है हम उसको बल्क मॉडल को बी लिखते हैं इसने इसको के लिखा है कोई बात नहीं

लेंथ बिकम्स डबल ऑफ इनिशियल इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस आपसे पूछा है भाई वाई इक्वल टू स्ट्रेस की बात किया है तो हम बाकी सब पर ना जाके हम सीधा बोले स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बेटा फोर्स अपॉन ऑन एरिया फोर्स तो mg जी लगाया अपॉन ऑन एरिया राइट लेकिन लेंथ कितना हो गया बेटा इसका डबल लेंथ ये जो एरिया है इंपॉर्टेंट बात ये सेक्शन एरिया तो स्टार्टिंग वाला था अब आपसे पूछा है कि जब इसका लेंथ डबल हो गया उस वक्त इसका स्ट्रेस कितना होगा तो बेटा अब मुझे नया जो एरिया चाहिए वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं बेटा क्या टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा आप बोलोगे हाँ सर टोटल वॉल्यूम तो सेम है तो बेटा वी वन इक्वल टू वी टू कर दें हम एरिया इनिशियल एरिया इन टू इनिशियल टू फाइनल एरिया अपॉन फाइनल लेंथ फाइनल लेंथ क्या हो गया बेटा एल बाई टू सॉरी टू एल टू एल तो यहां से ए डैश का वैल्यू क्या मिला बेटा ए बाई टू इसका मतलब जो लेंथ डबल हो गई होगी ना तो इसका एरिया ए बाई टू हो गया होगा तो बेटा अगर मैं पूछूं स्ट्रेस कितना होगा उस पर तो बेटा फोर्स तो इस पर एम लग रहा है पर एरिया ए बाई टू हो चुका है ये आंसर आप देख कर टू एम जी बाई एक बात बिल्कुल क्लियर करना जो मैं थोड़ा सा आप बच्चों के लिए यहाँ पे स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा समझे उस चीज को अगर आपसे इनिशियल स्ट्रेस पूछता है इस क्वेश्चन में इनिशियल स्ट्रेस तो आपका आंसर एम जी होता है क्योंकि इनिशियल इसका एरिया ए था लेकिन इसने पूछा है लेंथ डबल होने के बाद स्ट्रेस कितना तो होगा तो लेंथ डबल हुआ तो उसका क्रॉस सेक्शन ये हाफ हो चुका है तो फिर आपका एनजी ए बाई टू है ना तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी क्वेश्चन में ये भी आपसे गड़बड़ कर सकते हैं आप कभी चलिए आगे बढ़ते हैं राइट तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली इस चीज को तो ध्यान रखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द टेंशन इन ए मेटल वायर इज टी इट्स लेंथ एल वन एंड टेंशन इज टी टू लेंथम्स एन टू पूछा है बेटा एक बात मुझे क्लियर कट समझ में आती है y इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल से अगर बाकी सब चीजें सेम है तो डेल्टा एल किस पे डिपेंड करेगा फोर्स पर क्योंकि मटेरियल सेम है वाई सेम है इनिशियल लेंथ सेम है एरिया सेम है तो डेल्टा एल सीधा सीधा एफ पे डिपेंड करेगा राइट फर्स्ट केस में ये बोल रहा है ध्यान दो एल्वन इज नॉट द चेंज इन लेंथ एलवन इज द फाइनल लेंथ ये बोल रहा है जब टेंशन टी वन है तो लेंथ वायर का एलवन है तो चेंज कितना हुआ होगा एल वन माइनस एल बेटा पहले मान लेते नेचुरल लेंथ एल थी अब एल वन हो गया तो एल वन माइनस एल प्रपोर्शनल टू टी वन दूसरे केस के लिए लेंथ एल टू हो गया प्रपोर्सनल टू टी टू तो अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो एल वन माइनस एल अपॉन एल टू माइनस एल इक्वल टू टी वन टी टू बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें एल वन टी टू एल टी टू इक्वल टू एल टू टी वन एल टी वन बेटा मुझे एल की वैल्यू चाहिए तो एल वाले टर्म एक तरफ रख दें बाकी दूसरी तरफ तो ये क्या हो जाएगा एल वन टी टू माइनस एल टू टी वन इक्वल टू एल टी टू माइनस टी वन सो एल का वैल्यू क्या होगा एल वन टी टू माइनस एल टू टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा राइट तो आपका ये आंसर टिक करना था आपको चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं बेटा समझने की कोशिश करें एक बार स्टील रिंग ऑफ रेडियस आर बेटा ये रिंग है जिसका रेडियस कितना है आर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी जो मोटाई है ना रिंग की वो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब सर्कल का एरिया नहीं थिकनेस जो रिंग का है वो वुडन वॉल बी माउंटेड ऑन ए वुडन वेल इफ़ दंग्स मॉडल ऑफ स्टील इज वाई देन मिनिमम टेंसाइल फोर्स रिक्वायर्ड टू डेवलप द रिंग सो दैट इट कैन ईजीली माउंटेड ऑन द वुडन वॉल बेटा रेडियस जो वेल्स का ना ये जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका रेडियस है स्मॉल आर यह इससे थोड़ा छोटा है अब आप क्या बोल रहे हैं इस पर कितना फोर्स लगाएं कि इस पर फिट बैठ सके तो बेटा यंग्स मॉडल के फॉर्म में वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल वाई इक्वल टू या एफ पूछा बेटा तो एफ को इधर रख देते हैं एफ इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाय वाई क्रॉस सेक्शन ए बेटा देखिए इनिशियली इसका जो लेंथ है वो है टू पाई आर और इसके ऊपर जब ये फिट होगा तो उसका लेंथ हो जाएगा टू पाई कैपिटल आर तो चेंज कितना हुआ टू पाई आर माइनस टू पाई आर अपॉन इनिशियल लेंथ क्या था टू पाई आर बेटा सारे टू पाई तो कैंसिल तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा वाई ए आर माइनस आर अपॉन आर वाई ए आर माइनस आर अपॉन आर ये आपका आंसर आ राइट तो बस इसको इस पर फिट करना था सेम कॉन्सेप्ट थर्मल एक्सपांशन पूछा जाता है आगे क्वेश्चन भी है वहां पे हम इसको देखेंगे तो इसके लेंथ में चेंज हीट से भी कर सकते हैं लेंथ में चेंज फोर्स लगा के भी कर सकते हैं तो यहां फोर्स लगाने की बात किया है बेटा बेटा ऑफ 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 लीनियर ब्रास ब्रास एंड एंड स्टील रॉड्स आर अल्फा अल्फा लेंथ देखो दो है, एक तो अल्फा मैं ऐसे बोलू एक तो बेटा आपका स्टील है और एक आपका ब्रास है स्टील के लिए अल्फा टू ब्रास के लिए अल्फा वन और ब्रास का लेंथ एल वन ठीक है एल टू और इसके लिए एल वन अब आपसे क्या पूछा है दोनों के लेंथ में डिफरेंस बेटा एल टू माइनस एल वन टेम्परेचर बढ़ने के साथ भी सेम बना रहता है यानी आप टेम्परेचर कितना बढ़ा तो दोनों के लेंथ में डिफरेंस सेम बना रहता है अब बेटा दोनों के लेंथ में डिफरेंस सेम बने रहने का मतलब क्या हो गया जितना फर्स्ट का लेंथ बढ़ेगा उतना ही अगर सेकेंड का लेंथ बढ़ गया तो आप बोलो सर लेंथ में चेंज सेम बना रहेगा राइट पहले के लेंथ में कितना चेंज हुआ डेल्टा एलवन अगर दूसरे के भी उतना ही चेंज हो गया तो बेटा पहले का लेंथ दो सेंटर में बढ़ा दूसरे का भी दो बढ़ा तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया जाएगा सेम आ जाएगा वापस तो डेल्टा एन वन इक्वल टू तो डेल्टा टू तो बेटा डेल्टा एलवन को क्या लिखें एल वन अल्फा वन डेल्टा टी इसको क्या लिखेंगे बेटा एल टू अल्फा टू डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल एल वन अल्फा वन इक्वल टू एल टू अल्फा टू जब भी एक दो क्वेश्चन आएंगे और नीट में और ए आई ट्रिपल में दोनों में इस पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछता है इवन जेई -E में भी पूछा हुआ है तो सिंपल सा होता है पर ध्यान रखें जब भी लेंथ में डिफरेंस सेम बना रहता है तो बेटा ये रिलेशन होता है इसमें एक चीज मैं एडिशनल फॉर्म में आपको बता रहा हूं अगर ये बोले कि अभी तो क्वेश्चन क्या था दोनों के लेंथ का डिफरेंस सेम बना रहता है अगर क्वेश्चन ऐसा हो ना कि दोनों के लेंथ का सम सेम बना रहता है तो ये कब होगा जब एक का लेंथ जितना बढ़े दूसरे का उतना ही कम हो जाए एक का लेंथ दो सेंटीमीटर बढ़ा दूसरे का दो सेंटीमीटर कम हुआ तो सम करेंगे तो सेम आ जाएगा तो बेटा उसके लिए ये रिलेशन क्या होता है एल वन अल्फा वन इक्वल टू माइनस एल टू अल्फा टू तो ये भी ध्यान रखना इस क्वेश्चन में नहीं लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो ये भी हम यूज करेंगे बल्क मॉडल्स ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ द सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस आपसे पूछा है बेटा देखो बल्क मॉडल्स कितना है बी प्रेशर कितना है पी फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस आपसे पूछ लिया बेटा हमारा जो रिलेशन होता है बी इक्वल टू क्या होता है डी पी अपॉन डी वी बाई वी तो बेटा यहाँ से डी वी बाई वी इक्वल टू हो गया डी पी अपॉन बी तो डी वी बाई वी इक्वल टू हो गया बेटा चेंज इन प्रेशर पी अपॉन बी ये बेटा वॉल्यूम में चेंज है अगर रेडियस में चेंज पूछा जाए तो आपको पता है जब हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं किसी भी एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वॉल्यूम में चेंज और रेडियस में चेंज में रिलेशन क्या होता है डेल्टा वी इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर थ्री टाइम्स क्यों क्योंकि वॉल्यूम पे पावर क्या आता है थ्री कहां से सॉल्व किया मैंने वी इक्वल टू फोर बाय थ्री पायर क्यों बेटा यहां से वैल्यू पुट कर दे तो डेल्टा वी बाई वी को रिप्लेस कर दे किससे से थ्री डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू पी बाई वी तो बेटा डेल्टा आर बाई आर कितना हो जाएगा अपॉन थ्री बी आपका आंसर पी अपॉन थ्री बी सी आपका आंसर जाएगा बेटा लगी समझ चलिए आगे बढ़ते हैं कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा जो पिछला क्वेश्चन किया है ना उसी को एप्लीकेशन फॉर्म में इसने पूछा है ये बोल रहे हैं कॉपर रॉड है ठीक है सर एक तो कॉपर रॉड है लेंथ कितना है इसका बेटा 88 है दूसरा कौन सा है एल्यूमिनियम रॉड है इसका लेंथ आपको नहीं पता है अल्फा वन इसका दिया है बेटा कॉपर का 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव और इसका अल्फा दिया है आपको 2.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव दोनों के आपको अल्फा वन अल्फा टू दे दिया अब क्या पूछा है इंडिपेंड ऑफ इंक्रीज इन लेंथ लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड आपसे पूछा हमें और साथ में क्या पूछा इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब बेटा डेल्टा एल वन बराबर रहेगा डेल्टा एल टू कौन सा रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना दोनों के लेंथ का डिफरेंस अगर सेम बना रहे तो ये रिलेशन तो एल वन अल्फ़ा वन इक्वल टू एल टू अल्फा टू एल वन पहले वाले का लेंथ एटी एट अल्फा वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव दूसरे बार का लेंथ पूछा है और ये कितना बेटा टू पॉइंट टू इंटू टेन टू पार माइनस फाइव सॉल्व करेंगे तो एल टू आएगा बेटा एट्टी एट इंटू सेवनटीन अपॉन ट्वेंटी टू फोर इंटू सेवनटीन इट विल बी सिक्सटी एट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं पेंडुलम क्लॉक ट्वेल्व सेकेंड ए डे इफ टेम्परेचर इज फोर्टी डिग्री सेल्सियस एंड फोर सेकेंड का गेन होता है बेटा देखो एक्चुअली होता है क्या कोई भी पेंडुलम आपने बनाया उस पर घड़ी आपने बनाई लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ का वैल्यू बढ़ता है और लेंथ का वैल्यू बढ़ेगा ये मैं टेम्परेचर को थीटा लिख देता हूँ तो टाइम पीरियड बढ़ेगा टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब हो गया वो स्लो होना अब क्वेश्चन क्या हो रहा है बारह सेकेंड लॉस कर रहा है स्लो और स्लो होने का मतलब होता है टाइम का लॉस करना तो बेटा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो लॉस हो जाएगा टेम्परेचर घटेगा तो गेन हो जाएगा तो क्वेश्चन बोल रहा है बारह सेकेंड लॉस तो बेटा यहाँ से एक बात समझ में आती है जो फॉर्मूला हमारा बनता है चेंज इन टाइम इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला पूरा डेरिवेशन तो बताना पॉसिबल नहीं है ये फार्मूला आप इसमें यूज करते हैं डेल्टा टी क्या है जितना लॉस या गेन हो रहा है डेल्टा थीटा क्या है टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है अब देखो फोर्टी डिग्री पर ट्वेल्व सेकेंड का लॉस और ट्वेंटी डिग्री पर फोर सेकेंड का गेन इसका मतलब बेटा राइट टाइम लॉस और गेन कब नहीं होगा थीटा पर वो इसके बीच में कहीं होगा तो बेटा मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा फर्स्ट केस में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ थीटा से बढ़कर फोर्टी हुआ तो फोर्टी माइनस थीटा सेकेंड केस में बेटा थीटा और ट्वेंटी में से ट्वेंटी थीटा से घटके हुआ तो ये हो गया थीटा माइनस ट्वेंटी वापस समझना फोर्टी पे लॉस हुआ ट्वेंटी पे गेन हुआ तो राइट टेम्परेचर फोर्टी से ट्वेंटी के बीच में कुछ होगा तो मैंने मान लिया थीटा है राइट टेम्परेचर राइट तो बेटा थीटा जो है फोर्टी से तो कम है और ट्वेंटी से ज्यादा है तो यहां लिखा फोर्टी माइनस थीटा यहां लिखा थीटा माइनस ट्वेंटी इक्वल टू बेटा ये कितना हो गया ट्वेल्व और ये कितना हो गया फोर तो बेटा यहाँ से थ्री से कैंसिल तो फोर्टी माइनस थीटा इक्वल टू थ्री थीटा माइनस सिक्सटी तो बेटा फोर थीटा इक्वल टू हंड्रेड सो थीटा विल बी ट्वेंटी फाइव यानी राइट टेम्परेचर बेटा ट्वेंटी फाइव पे होगा कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये एक में लॉस है एक में गेन है तो आपने एक दोनों में प्लस क्यों लिखा है एक में आप ट्वेल्व माइनस में लिखो और फोर प्लस में लिखो बेटा मैं अगर ऐसा लिखता हूं तो फिर यहाँ पे दोनों जगह थीटा टा माइनस फोर्टी बोलता मैंने पहले से डिसाइड करी ना टेमप्रेचर किसका ज्यादा है तो लॉस और गेन वहाँ कंपनसेट कर दिया मैंने एक तो ये क्वेश्चन पूछा था अब आंसर वैसे तो देखो ये टिक कर देना पड़ेगा क्योंकि ट्वेंटी फाइव ए की था फिर भी हम चेक करते ही आ रहा है क्या अभी बोल रहा है कि न, विल शो करेक्ट टाइम तो कॉफिशन और मैटर ऑफ पैंड शाफ्ट रेस्पेक्टली दो चीज़ें पूछा है द टेम्परेचर एट विच क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम एंड कॉफिशन और लीनर एक्सप्रेंशन पूछा तो इस फार्मूला को यूज़ करते हैं फर्स्ट वाले केस के लिए बेटा कितना टेम्परेचर टाइम में चेंज हुआ है ट्वेल्व हाफ अल्फा पूछा है टेम्परेचर में कितना चेंज हो गया फोर्टी था राइट टाइम ट्वेंटी फाइव पे आता तो टेम्परेचर में चेंज हुआ है फोर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव और बेटा पर डे लॉस हो रहा है तो एक दिन में टोटल टाइम कितना होता है एट्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड राइट तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा ट्वेल्व इक्वल टू वन बाई टू अल्फा फिफ्टीन इंटू एट सिक्स फोर डबल जीरो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो अल्फा की वैल्यू आपका ये आ जाएगा कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है आप आराम से कर लेना बेटा राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टींथ हो गया था सिक्सटीन देखिए द कॉफिशन ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ स्टील बेटा वापस वही कॉन्सेप्ट है देखो फर्स्ट के लिए एल वन कितना दिया हुआ है आपको नहीं पता कोई बात नहीं अल्फा वन दे रखा है फर्स्ट के लिए अल्फा दिया है एलेवन इंटू टू पावर माइनस सेकेंड के लिए अल्फा दिया है बेटा नाइनटीन इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स दोनों के लिए अल्फा दे दिया अभी बोल रहा है दे आर डिफरेंट इन लेंथ एट ऑल टेम्परेचर हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट इन थर्टी यानी बेटा इन दोनों का डिफरेंस हमेशा थर्टी रहेगा ये क्वेश्चन है बोला है तो इनके इंडिविजुअल वैल्यूज आपसे पूछी है बेटा देखो अभी भी पढ़ा है हमने जब भी डिफरेंस सेम बना रहता है तो एक रिलेशन होता है एल वन अल्फा वन इक्वल टू एल टू अल्फा टू एल वन माइनस एल टू थर्टी ये क्वेश्चन दिया है और एल वन बाय एल टू एलवन बाय टू आपका 11 by 19 हो जाएगा, ये भी हम बोल सकते हैं राइट तो यहां से बेटा एलवन की वैल्यू क्या पुट करेंगे L1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं देखो एक बात और जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका लेंथ कम होगा तो बेटा यहां पे अल्फा किसका ज्यादा टू का तो टू का लेंथ क्या होगा कम होगा अब यहां से एल टू की वैल्यू पुट कर दे एल टू की वैल्यू कितनी होगी नाइनटीन बायवन ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दे तो L1, माइनस नाइनटीन बाय अलेवन एल वन इक्वल टू सही किया मैंने एल वन एल टू जिसका लेंथ ज़्यादा बेटा अल्फा किसका ज़्यादा है टू का ज़्यादा है तो एल वन बाय एल टू इक्वल टू हो गया अल्फा ये उल्टा लिख दिया ना बेटा हमने एल वन बाय एल टू इक्वल टू होगा अल्फ़ा टू बाय अल्फा वन तो ये आएगा बेटा नाइनटीन बाय एलेवन तो यहाँ से एल टू की वैल्यू आपकी आएगी एलेवन बाय नाइनटीन एल वन अब बेटा इसको फर्स्ट इक्वेशन रख दे एल वन एल टू की जगह इलेवन बाय नाइनटीन एल वन इक्वल टू थर्टी तो ये हो जाएगा एल वन नाइनटीन बाई एलेवन एट बाय नाइनटीन इक्वल टू थर्टी तो एल वन की वैल्यू आती है बेटा थर्टी इंटू नाइनटीन बाय एट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है सेवनटी वन पॉइंट टू फाइव तो बेटा फर्स्ट का लेंथ हो गया सेवेंटी वन पॉइंट टू वन सेकेंड इसके थर्टी कम है तो फोर्टी वन पॉइंट टू फाइव आ जाएगा राइट तो ये आपको इसमें करना पड़ेगा ठीक है तो इसमें अब इसमें अगर थोड़ा सा टाइम आप बचाना चाहते हैं एक चीज़ और कर सकते हैं तो लेंथ का डिफरेंस थर्टी सब में है तो जिसका रेशियो आपका अल्फा के इन्वर्स में आ जाएगा तो बेटा इन दोनों का रेशियो देखो इन दोनों जिसका रेशियो आपका क्या आ जाएगा नाइनटी में इलेवन वो भी टिक कर सकते थे चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन पे है ए पेंडुलम क्लॉक इज फाइव सेकेंड फास्ट एट टेम्परेचर फिफ्टीन डिग्री बेटा अभी जो क्वेश्चन किया था वही वाला क्वेश्चन वापस है तो अब सीधे फार्मूला पर बात करें हम डेल्टा टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी बेटा फर्स्ट केस में तो यहाँ से डेल्टा टी प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा बेटा फाइव सेकेंड फास्ट है कितने पर फिफ्टीन पर तो बेटा फिफ्टीन पर तो फास्ट है और थर्टी पर स्लो है तो थीटा पर सही होगा वो इसके बीच में कहीं होगा तो बेटा फाइव सेकेंड फास्ट है और दूसरे बार में टेन सेकेंड स्लो है फाइव बाई टेन थीटा की वैल्यू बेटा थीटा की वैल्यू फिफ्टीन थीटा से तो ज़्यादा है तो थीटा माइनस फिफ्टीन लेकिन थर्टी थीटा थर्टी से कम है थर्टी माइनस थीटा बेटा टू टाइम्स तो थर्टी माइनस थीटा इक्वल टू टू थीटा माइनस थर्टी थ्री थीटा इक्वल टू सिक्सटी सही किया हाँ तो थीटा इक्वल टू ट्वेंटी राइट टेम्परेचर विल बी ट्वेंटी मतलब राइट टाइम विल बी एट टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस राइट देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं स्टील स्केल इज मेजर्ड विद लेंथ ऑफ कॉपर वायर बेटा स्टील स्केल इज मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर भैया ये एक स्केल था किसका स्टील का इससे आप एक कॉपर के वायर का लेंथ रीड कर रहे हैं ये किसका है बेटा कॉपर का वायर है तो आपका जो रीडिंग आई है वो आइए एट्टी सेंटीमीटर आपकी जो रीडिंग आई है वो आइए एट्टी सेंटीमीटर कब ट्वेंटी डिग्री पर फिर टेम्परेचर बढ़ के फोर्टी हो गया तो बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो स्केल का लेंथ भी बढ़ेगा और साथ में वायर का लेंथ भी बढ़ेगा अब आपकी रीडिंग क्या होगी बेटा इनिशियली रेफरेंस मैंने मान लिया 80 को तो बेटा स्केल का लेंथ 80 से इतना ज़्यादा बढ़ गया पहले लेंथ क्या था ये अब इतना और वायर का लेंथ भी बढ़ गया अब आपका रीडिंग क्या पड़ेगा बेटा अब ये रीडिंग इतना पड़ेगा अब एक बात बताओ स्केल भी अपनी लंबाई बढ़ा रहा है वायर भी अपनी लंबाई बढ़ा रहा है तो वायर कितना एक्स्ट्रा लेंथ हम मतलब हमें जो दोनों में डिफरेंस आएगा वो कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा उसको समझने की कोशिश कर तो मैं ऐसा बोल सकता जो एक्स्ट्रा लेंथ आएगा वो कितना आएगा वायर के लेंथ में चेंज माइनस स्केल के लेंथ में चेंज भाई वायर भी अपना लेंथ बढ़ा दिया जैसे ऐसे सोचो दोनों का लेंथ शुरू में एटी था वायर ने लेंथ बढ़ा के कर दिया नाइन्टी स्केल ने लेंथ बढ़ा के कर दिया नाइन्टी टू तो बेटा दोनों में गैप कितने का आ गया अब टू का गैप आ गया तो बेटा दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा वायर का लेंथ जितना बढ़ रहा है माइनस स्केल का लेंथ जितना बढ़ रहा है अब बेटा डेल्टा एल दोनों का इनिशियल रेफरेंस रेफरेंस तो आपने एटी लिया हुआ है तो एल वायर अल्फ़ा वायर डेल्टा टी माइनस एल स्केल अल्फ़ा स्केल डेल्टा टी बेटा एल वायर अस्सी अल्फ़ा वायर सेवनटीन इंटू टेन टू पार माइनस सिक्स डेल्टा टी ट्वेंटी माइनस एटी अल्फ़ा स्केल 11 इंटू टेन टू पार माइनस सेवन और टेम्परेचर में इसकी भी चेंज ट्वेंटी बेटा दोनों में से एटी कॉमन ले लो ट्वेंटी कॉमन ले लो टेन टू पावर माइनस सिक्स कॉमन ले लो बचेगा 17 तो ये हो गया लोगाड इन टू टेन टू पावर तो ये हो गया बेटा जीरो जीरो डेल्टा एल जो एक्स्ट्रा लेंथ आपको स्केल पे दिखेगा वो पॉइंट जीरो जीरो नाइन सिक्स दिखेगा तो अब मुझे बताओ स्केल क्या पड़ेगा एटी तो पहले दिख रहा था एक्स्ट्रा बढ़ गया एक जीरो जीरो का अगर इसी केस में मान लेते हैं वायर का अल्फा कम होता अभी तो देखो वायर का अल्फा वायर कॉपर का, अल्फा का है। इसका अल्फा ज्यादा है इसका अल्फा कम है अगर सपोज इसी में वायर का अल्फा कम होता और स्केल का स्केल ज्यादा होता तो स्केल ज्यादा बढ़ जाता वायर उतना नहीं बढ़ता तो वायर थोड़ा पीछे रह जाता तो बेटा फाइनल आंसर जाता वो एटी में ये जब जो टर्म मैंने ऐड किया है ना अब मैं उसको माइनस करता आंसर में राइट right? क्योंकि वायर उतना नहीं बढ़ रहा है स्केल ज्यादा बढ़ गया तो माइनस करना पड़ता है चलिए अगले क्वेश्चन पे है एक आयरन टायर है अच्छा क्वेश्चन है बेटा एक आयरन टायर है यह आयरन का कोई टायर है लोहे का टायर और इसको किसी वुडन व्हील पे आयरन का टायर है वुडन व्हील है वुडन व्हील पे आयरन टायर टू बी फिटेड ऑन ए वुडन व्हील और, और डायमीटर दिस वन बेटा इसका डायमीटर है वन मीटर मतलब हजार मिलीमीटर आपने देखा होगा बैलगाड़ी या तांगा वगैरह जो होता है ना उसमें लकड़ी के पहिए होते हैं उस लकड़ी के पहिए को चलते चलते डैमेज ना हो जाए तो उस पर लोहे की एक स्ट्रिप लगा दी जाती है ऐसे तो क्वेश्चन वही है कि वुडन व्हील है इस पर लोहे की एक स्ट्रिप लगानी है अब अगर लोहे की स्ट्रिप और वुडन व्हील बराबर हुए तो बेटा आप उस पर लगा तो दोगे लेकिन चलते चलते वो बाहर निकल जाएगी तो जो आयरन का टायर उस पर लगाएंगे ना वो थोड़ा सा छोटा लिया जाता है अब छोटा है तो सर लगाएंगे कैसे फिर उसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है जिससे थोड़ा सा फैल जाता है फिर उसको फिट कर दिया जाता है और ठंडा होकर ग्रिप बना लेता है वो उसका ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बेटा इसका जो डायमीटर है वो इससे छः मिलीमीटर mm कम है तो बेटा इसका डायमीटर कितना है नाइन नाइनटी फोर है छह एम एम कम क्वेश्चन ने बोला है अब बेटा इसको गर्म करके उसे फिट करना है क्वेश्चन बोला है कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए बेटा देखो डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी इनिशियल रेडियस आर है फाइनल रेडियस आर डैश हो जाए तो ये हो गया बेटा टू पाई आर डैश माइनस टू पाई आर लेंथ में चेंज इक्वल टू इनिशियल टू पाई आर अल्फा डेल्टा टी अगर सारे पाई कैंसिल कर दो तो टू आर डैश क्या हो गया फाइनल डायमीटर इनिशियल डायमीटर इनिशियल डायमीटर अल्फा डेल्टा टी बेटा फाइनल डायमीटर मुझे चाहिए जो जिसमें तो फिट करने के लिए वो हज़ार एम एम पहले था नाइन नाइन्टी फोर चेंज कितने का करना है सिक्स का तो सिक्स इनिशियल डायमीटर नाइन नाइन्टी फोर अल्फा मुझे दे रखा है बेटा अभी अल्फा लिख देते हो डेल्टा टी कैलकुलेट करना है बेटा देखो ये वॉल्यूम एक्सपानशन दिया हुआ है और मुझे चाहिए यहाँ पे लीनर एक्सपेंशन और लीनर एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपेंशन का वन थर्ड होता है तो सिक्स नाइन नाइन फोर इसका वन थर्ड वन पॉइंट टू इंटू टैन टू पावर माइनस फाइव डेल्टा टी तो डेल्टा टी का वैल्यू आएगा बेटा सिक्स अपॉन नाइन नाइन फोर इंटू ट्वेल्व इंटू टेन टू पावर सिक्स इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्स फाइव हंड्रेड बेटा ये आता है 1.2 है ये, ये तो 500 degree Celsius आपको temperature बढ़ाना पड़ेगा, इसका आएगा, तो ऐसा भी question पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइडियल गैस एक्सपांडिंग सच देट पीटी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट बेटा देखो एक आइडियल गैस है उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है पीटी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपसे पूछ रहा है कॉफिशियंट और वॉल्यूम एक्सपांशन कॉफिशंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन होता है बेटा डी वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी से गामा की वैल्यू होती है डी वी अपॉन वी डेल्टा टी यानी बेटा मुझे कहीं से डी वी अपॉन वी डी टी पता करना है अब बेटा मुझे मतलब वी और टी में रिलेशन करना है यहाँ पी दिया हुआ है तो एक काम करें सबसे पहले तो पी को लिख दें एन आर टी बाई वी टी स्क्वायर इक्वल टू के यहाँ से बेटा एन आर टी क्यूब इक्वल टू के वी क्योंकि मुझे डी वी बाई डी टी चाहिए तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट तो एन आर थ्री टी स्क्वायर के डी वी बाई डी टी तो यहां से बेटा डी वी बाई डी टी की वैल्यू मुझे मिल गई थ्री एन आर टी स्क्वायर बाई के अब देखो डी वी बाई डी टी तो मिल गया v से और डिवाइड करना है दोनों तरफ v से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया डी वी अपॉन वी डी टी इक्वल टू थ्री एन आर टी स्क्वायर अपॉन के वी ये बेटा मुझे मिल गया फिशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन अब बेटा आंसर मुझे इस फॉर्म में नहीं दे रखा है तो मैं क्या करूं एनआरटी क्यूब को केवी लिख देता हूं तो एनआरटी क्यूब या ऐसा करें थ्री एनआर टी बेटा गामा की वैल्यू हो गई थ्री बाई टी थ्री बाई टी आपके गामा की वैल्यू हो जाएगी राइट ये आपका आंसर आएगा एक स्टील वायर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टील वायर है जिसका वाई यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है टू इंटू टेन टू पावर इलेवन बेटा गीगा है गीगा मतलब टेन टू पावर इलेवन और दो जीरो पहले से तो टेन टू पावर इलेवन है क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है वन मीटर स्क्वायर मतलब टेन टू पावर मैंने सिक्स स्ट्रेच बाई ए फोर्स फोर्स दे दिया बेटा आपने वन थाउजेंड न्यूटन परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल इंटू हंड्रेड ये वैल्यू पूछा है आपसे बेटा कैसे सॉल्व करें वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल यार बेटा डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू हो गया एफ अपॉन ए वाई हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें क्यों क्योंकि परसेंटेज चाहिए था अब मुझे बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें एफ का वैल्यू कितना है टेन टू पावर थ्री ए का वैल्यू कितना है टेन टू पावर माइनस सिक्स और वाई का वैल्यू कितना है बेटा टू इंटू टेन टू पावर इलेवन इन टू क्या चल रहा है हंड्रेड अब देखो टू और थ्री ऊपर फाइव नीचे बेटा माइनस सिक्स और एलेवन नीचे भी फाइव तो बेटा ये बचेगा वन बाई टू वन बाई टू का मतलब पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट फाइव परसेंट इसके लेंथ में चेंज हो जाएगा राइट तो कैलकुलेशन में टाफ नहीं था डाटा सब आपको अच्छे सेट करके दिए हुए थे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा थोड़ा बेटा वापस से वायर वाई की वैल्यू मुझे दे दिया 2 into 10 to power 11. Alpha की वैल्यू दिया बेटा बेटा इस बार इनिशियल पे आपने इसको टाइट करके बांध दिया एक वायर को. ठीक है. इन बेटा अभी जो टेंशन है टेंशन को मैं फोर्स लिख देता हूँ टेम्परेचर कन्फ्यूज नहीं हुआ तो ये हो गया टू हंड्रेड न्यूटन का किस टेम्परेचर पे टेंशन जीरो देखो इसको खींच के बांधने के कारण जो इसमें टेंशन आया है उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं टेम्परेचर में चेंज करना चाह रहे हैं ताकि ये टेंशन खत्म हो जाए तो पहले तो बेटा हम इसके अकॉर्डिंग इसका टेंशन देखें तो लेंथ में चेंज देखें तो क्या मिलता है यंग्स मॉडल्स के अकॉर्डिंग वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल बेटा डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू हो गया यहाँ से एफ अपॉन ए वाई ये तो हो गया आपका इस फार्मूला के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर के कारण जो डेल्टा एल आता है वो आता है एल अल्फा डेल्टा टी तो बेटा डेल्टा एल वाई एल हो गया अल्फा डेल्टा टी अब हम चाह रहे हैं एक कारण से लेंथ बढ़ा था दूसरे कारण से लेंथ कम हुआ था तो दोनों चीज़ों को इक्वेट कर दें ताकि अपना लेंथ खत्म हो जाए टेंशन जीरो हो जाए तो बेटा दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये क्या हो गया एफ अपॉन ए वाई इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी बेटा डेल्टा टी की वैल्यू पूछा है तो एफ अपॉन ए वाई अल्फ़ा फोर्स कितना है भाई फोर्स था आपका 200 न्यूटन ठीक है सर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था बेटा 2 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया तो 2 10 टू पावर -6 यंग्स मॉडुलस 2 10 टू पावर 11 और अल्फा की वैल्यू बेटा 10 टू पावर -5 अब सॉल्व करते हैं बेटा माइनस -6 और माइनस -5 minus -11 11 को उड़ा देगा तो ये बचेगा 200 अपॉन 4 मतलब 50 टेम्परेचर में चेंज 50 डिग्री का होगा पहले टेम्परेचर कितना था 20 तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा 50 प्लस बीस यानी 70 डिग्री टेम्परेचर चेंज फिफ्टी फिफ्टी आए ना पर इसने चेंज पूछा है कि ये पूछा है एट वॉट टेम्परेचर विल द टेंशन बिकम्स मतलब बेटा इसने फाइनल टेम्परेचर पूछा है चेंज नहीं पूछा है तो बेटा फाइनल टेम्परेचर आपका आ जाएगा सेवेंटी इतना सा सिर्फ आपको करना था अगर आपसे बोलता है चेंज कितना हुआ तो फिर आप आंसर क्या टिक करते बेटा फिर आप आंसर फिफ्टी टिक करके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेटल वायर इज स्ट्रैच बाई स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड वाईज एनर्जी पर वैसे तो बेटा ये फार्मूला क्या मैक्सिमम बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं तो बहुत ज्यादा समस्या तो फार्मूला में नहीं आती है लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं आप ये फार्मूला डिराइव कैसे करें ध्यान रखें कैसे देखो यंग्स यंगल इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल तो बेटा यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला आ गया वाई ए बाई एल डेल्टा एल डेल्टा एल को मैं थोड़ी देर चेंज इन लेंथ बोल दू तो ये हो गया वाई इक्वल टू वाई ए बाई एल इन टू एक्स अब बेटा इसको कंपेयर करो स्प्रिंग वाले फार्मूला से तो बेटा यहाँ से बेटा मुझे के का वैल्यू पता लग गया इतना इससे बेटा मुझे अगर एनर्जी पूछी जाए तो बेटा स्प्रिंग भी तो इलास्टिक एनर्जी रखता है तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे बेटा वही फार्मूला यूज कर ले एक बार के मिल गया ना तो स्प्रिंग वाले एनर्जी से क्वेश्चन करो हाफ के का वैल्यू कितना है वाई ए बाई एल इन टू एक्स स्क्वायर अब बेटा यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ ना तो यार इनिशियल लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है लेकिन यहां पे क्या बोला है एक्स इज द स्ट्रेन तो मैं स्ट्रेन लेके आऊँ स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ स्क्वायर चेंज इन लेंथ और नीचे एल आ रहा है एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें अपन तो ये हो जाएगा हाफ वाई ए एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दिया अब देखो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एल स्क्वायर एक्स अपॉन एल चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ ये तो स्ट्रेन है भाई तो हाफ इक्वल टू एनर्जी टू वाई एरिया टू लेंथ वॉल्यूम और ये हो गया बेटा स्ट्रेन का स्क्वायर अब बेटा वॉल्यूम को इधर डिवाइड करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है तो हाफ बाय एक्स स्क्वायर ध्यान दो इस एक्स और इस एक्स में कंफ्यूज नहीं हो बेटा ये एक्सर चेंज इन लेंथ और ये जो मैंने स्ट्रेन दिया है वो कैपिटल एक्स वो यहाँ पे लिख दिया है तो आप चाहें तो कंफ्यूज नहीं हो इसको लिख दें एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू हाफ बाय कैपिटल एक्स का स्क्वायर कैपिटल एक्स इज द स्ट्रेन तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा फर्स्ट वाला आंसर आपका सही जाना चाहिए था इसमें राइट चलिए आगे बढ़ते हैं ए हैवी ब्लॉक सस्पेंडेड बाय एन इलास्टिक स्प्रिंग। बेटा आप जो पिछला है ना उसी पर बेस्ड क्वेश्चन यहां पे देखते हैं एक बोल रहा है, है, फर्स्ट केस में चेंज इन लेंथ कितना है बारह सेंटीमीटर एक ब्लॉक आपने लगा दिया

किसी स्प्रिंग के साथ आपने लटकाया तो उसके लंबाई में चेंज हुआ बारह सेंटीमीटर उस स्प्रिंग के वन फोर्थ को काट दिया और जो थ्री फोर्थ बचा उससे जब लॉट को लटकाया तो लेंथ में कितना चेंज हुआ ये आपसे पूछ रहा है अब मुझे क्या करना है मुझे ये देखना है कि यार के कितने टाइम्स हुआ क्योंकि अल्टीमेटली के जो है वही आपका क्या करेगा ये डिसाइड करेगा कि आपका कितना लेंथ में चेंज होगा राइट तो बेटा यहाँ से लेंथ आपका हो गया वन एल बाई फोर मतलब थ्री एल बाई फोर तो के हो गया इतना अब बेटा दोनों बार ब्लॉक तो सेम ही है फोर्स तो सेम ही है तो दोनों बार सेम फोर्सेस को खींच रहे हैं तो के वन एक्स वन इक्वल टू के टू एक्स टू के वन का वैल्यू कितना बेटा k पहले बार में लेंथ कितना ट्वेल्थ दूसरी बार में k का वैल्यू फोर के बाई थ्री लेंथ आपसे पूछा था तो बेटा l कितना हो जाएगा नाइन यानी दूसरी बार नाइन सेंटीमीटर ये मैंने स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट बताया इसी को अगर यंग्स मॉड्यूल से आप बताते तो आप कैसे लिखते हैं वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल तो बेटा डेल्टा एल क्या क्या चीजें कॉन्स्टेंट हो गई मटेरियल आपका सेम तो डेल्टा एल किसके इनवर्स आपका बेटा एल का अब एल कितना हो गया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं राइट तो जैसा आपको समझ में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इस सॉलिड विल ब्रेक अंडर प्रेशर ग्रेटर देन थर्टीन ए एम एटीएम बेटा मैं क्वेश्चन पहले समझे क्वेश्चन थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो ऐसे सोचते हैं आप एक मिट्टी आपने ली या आप कोई सीमेंट आपने लिया कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लिया उससे आप धीरे 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 उसकी ऊंचाई बढ़ाते हुए कॉलम बनाते जा रहे हो अब यार कितना ऊंचा कॉलम आप बना सकते हो जनरली आपने देखा होगा घरों का कंस्ट्रक्शन होता है जो पिलर बनते हैं उसमें बीच में आयरन के रॉड्स लगाए जाते हैं ताकि मजबूती मिले क्योंकि केवल सीमेंट 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 का पिलर बनाओगे ना तो उसका जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा तो कभी ना कभी क्या होगा वो ब्रेक हो जाएगा टूट जाएगा तो ये क्वेश्चन वही कह रहे हैं सॉलिड विल ब्रेक अंडर प्रेशर ग्रेटर देन बेटा मान लेते हैं ये 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 कोई सॉलिड आपने बनाया ऐसे देखो ये। ये जो मैक्सिमम प्रेशर अफोर्ड कर सकता है ना वो थर्टीन एटीएम कर सकता है यहां पर बेटा वन एटमोस प्रेशर तो ऑलरेडी था और ये मैक्सिमम थर्टीन एटीएम अफोर्ड कर सकता है राइट अब क्वेश्चन बोल रहा है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो का है वो है फोर बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमेशा यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो अगर उसको एस में कन्वर्ट करेंगे तो फोर थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर की उसका डेंसिटी हो गया अभी क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम कितने हाइट का बना सकते हैं देखो बेटा इसके यहाँ जो प्रेशर मैक्सिमम कर सकता था थर्टीन ए इसमें से पी नॉट वन ए तो एटमोसफेयर प्रेशर था तो केवल सॉलिड का जो प्रेशर है वो कितना है थर्टीन माइनस वन यानी ट्वेल्व ए प्रेशर केवल सॉलिड का रहेगा इस पर अब ये प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें प्रेशर को लिख दे एम जी बाई ए

तो बेटा देखो टेन टू पार फोर से फोर तो कैंसिल तो एच का वैल्यू आया वन ट्वेंटी बाई फोर इट विल बी थर्टी मीटर थर्टी मीटर से ज़्यादा बड़ा अगर आपने पिलर बना दिया कॉलम बना दिया तो फिर ये क्या कर जाएगा ब्रेक कर जाएगा क्योंकि तब इस पर प्रेशर थर्टीन ए एम से ज़्यादा हो जाएगा तो थर्टीन ए टी एम से सुपरसीड नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा का प्रेशर आपको नहीं लेके जाना है तो बढ़िया क्वेश्चन है अब कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में ये कन्फ्यूज हो जाते हैं सर रोजी है जो आपने लिया ना रोजी तो एक्चुअली लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं बेटा रोजी ऐसा ठीक है हम पढ़ते जाते हैं लिक्विड के लिए है पर वो तो सबके लिए हो सकता रोजी है अल्टीमेटली रोजिया जब वहाँ जब डिराइव करते थे तो वहाँ पे भी तो आप बेटा एम जी बाय ए तो सॉल्व करते थे वहाँ एम जी किसका होता था वाटर कॉलम का फोर्स यहाँ पे सॉलिड का फोर्स आएगा तो रोजिया जरूरी नहीं है लिक्विड के लिए यूज़ करें किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम 99 परसेंट केस में जब लिक्विड पढ़ते हैं तो प्रेशर रोजियच है बोलते हैं पर देखो मैंने रोजी लिक्विड बोल के नहीं सॉल्व किया था एम जी बाय ए ले सॉल्व किया आ गया अपने आप रोजी के फॉर्म में तो क्या फ़र्क पड़ता है आ सकता है ईजी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा देखो दो वायर है ऐसे एक स्टील का स्टील के वायर को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ ब्रास के वायर को मैं सेकंड बोल देता हूँ बेटा सबसे पहले तो मैं कुछ भी और पढ़ूँ तो एक बात तो मुझे क्लियर होती है बेटा ब्रास के वायर पे जो टेंशन है जो फोर्स है वो टू एम जी है सेकंड वाला है ब्रास के वायर टू एम जी और स्टील के वायर पर इन दोनों का टेंशन रहेगा तो इस पर वायर का जो टेंशन है वो है थ्री एम जी तो बेटा दोनों का फोर्स मुझे पता लग गया बाकी क्या क्या बोला है बेटा इनके लेंथ का रेशियो मतलब एल वन बाय एल टू ए दिया हुआ है रेडियस का रेशो आर वन बाय आर टू बी दिया हुआ है फोर्स का रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया थ्री बाय टू हो गया थ्री एम जी बाय टू एम जी और यंग्स मॉडुलस का रेशो वाई वन बाय वाई टू कितना दिया बेटा सी ये सब रेशियो आपको दे दिए दोनों के अब आपसे क्या पूछा है रेशो ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ बेटा यंग्स मॉडुलस ए वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाय एल यार तो डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एफ अपॉन एल ए इन टू वाई अब बेटा डेल्टा एल वन बाय डेल्टा एल टू इक्वल टू एफ वन बाय एफ टू एल वन बाय एल टू ए टू बाय ए वन वाई टू बाय वाई वन

अपॉन टू बी स्क्वायर सी थ्री ए अपॉन टू बी स्क्वायर सी ये आपका आंसर आएगा तो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है सारी चीज़ हमें समझते हुए वैल्यू पुट कर रहा था बाकी कोई ज़्यादा समस्या जैसी चीज़ पर नहीं थी हाँ कंफ्यूजन ये जरूर हो सकता है सर ये कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ से, से बाकी इसको चाहो तो आप डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपको कंफ्यूजन है लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो रहा तो डायमेंशन में हो सकता है आपको एक एक करके सबका डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़े तो आप उलझ भी जाओ क्योंकि आपको हो सकता है सबके डायमेंशन में प्रॉब्लम भी आए लेकिन कर सकते हैं इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग फोर वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल बेटा ये पांच वायर है चार वायर है जिसको आपके सेम मटेरियल के बने हुए हैं अब आपसे पूछा है व्हिच ऑफ दिस विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड बेटा देखो y इक्वल टू फार्मूला क्या होता है f अपॉन a डेल्टा l बाय l सेम मटेरियल है मतलब y की वैल्यू सेम विथ द सेम टेंशन अप्लाइड मतलब फोर्स की वैल्यू भी सेम तो बेटा वाई की वैल्यू सेम फोर्स की वैल्यू सेम तो यार डेल्टा एल किसके इन्वर्स हो गया ए बाई एल के डेल्टा एल किसके इन्वर्स हो गया पाई आर स्क्वायर बाय एल मतलब आर स्क्वायर बाय एल यानी बेटा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा डेल्टा एल इधर जाएगा तो एल अपॉन ए के एल अपॉन ए के तो डेल्टा प्रोपोर्शनल हो गया एल अपॉन आई आर स्क्वायर के यानी बेटा मुझे लेंथ और आर स्क्वायर का रेशियो चेक करना है अब एक एक करके हम चेक करें पहले वाले के लिए बेटा मैं जीरो वीरो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं केवल डाटा देख रहा हूँ बेटा सबको फाइव है पॉइंट है तो बेटा मैं इसको फाइव सेंटीमीटर तो बेटा लेंथ तो पहले वाले के लिए हो गया फिफ्टी और डायमीटर बेटा पॉइंट का स्क्वायर तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 50 अपॉन पॉइंट मैं यूनिट वगैरह सब चेंज नहीं करो क्योंकि रेशियो देखना है मुझे केवल तो फिफ्टी अपॉन पॉइंट टू फाइव तो ये यहाँ से हो जाएगा बेटा टू हंड्रेड आपने कहा सा डेल्टा एल की वैल्यू इसके लिए तो टू हंड्रेड होगी मतलब तो ये रेशियो जो आएगा वो लगभग टू तो हंड्रेड आएगा पाई भी सबके लिए सेम है तो फिफ्टी अपॉन पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव का स्क्वायर पॉइंट फाइव डायमीटर था रेडियस का वो रेशियो आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा तो पॉइंट टू फाइव फिफ्टी अपन पॉइंट टू फाइव फाइव थाउजेंड टू टू हंड्रेड हो गया ये ए के लिए बी के लिए बात करते हैं लेंथ कितना बेटा फिफ्टी की जगह हंड्रेड और डायमीटर वन का स्क्वायर तो ये कितना आया बेटा हंड्रेड आया सी के लिए बात करते हैं लेंथ कितना टू हंड्रेड और टू का स्क्वायर मतलब फोर तो ये आएगा बेटा फिफ्टी और ऐसे डी के लिए अगर बात करें तो लेंथ कितना थ्री हंड्रेड और इसका स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन तो बेटा ये आपका आ जाएगा नाइन से थ्री टाइम्स ट्वेंटी सेवन और थ्री लगभग थर्टी थ्री के आसपास तो बेटा मैक्सिमम डेल्टा एन कहाँ से मिल रहा है ये बोला विच ऑफ दिज है लार्जेस्ट एक्सटेंशन फर्स्ट वाले से मैक्सिमम वाला मिल जाएगा तो कुल मिलाकर रेशियो देखा है हमने अब आप ये मत ना सर एग्जैक्टली रेशियो आपने कैलकुलेट नहीं किया बेटा पूरा रेशो कैलकुलेट नहीं किया हमें सिर्फ किससे मतलब था इन दोनों के स्क्वायर के रेशो से कई बार तो बच्चे बोलते हैं सर डायमीटर का रेशो दिया आप तो रेडियस का यूज़ कर लिया बेटा जो डायमीटर का रेशो होगा वही तो रेडियस का होगा सब जगह टू आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा रेशो कंपेरिजन तो करना था हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट वैन इट इज लोडेड इन वेट इन एयर एलोंगेशन इज डेल्टा एल देखो बेटा एक बात तो समझ आता है जब इसको एयर में वेट किया तो एलोंगेशन आया फाइव एम एम जब इसी को लिक्विड में वेट किया वाटर में वेट किया तो एलोंगेशन आया फोर मीटीमीटर mm. तो रिलेटिव डेंसिटी पूछा एक बात बताओ ये कोई वायर है अगर मैं यहाँ से इसको लटकाता तो हूँ ऐसे तो जो टेंशन है बेटा वो फर्स्ट केस में किसके बराबर था एम के बराबर टेंशन एम के बराबर होता है ये समझ में आ गया जब मैंने इसको लिक्विड में इमर्स कर दिया ऐसे तो बेटा लिक्विड में बायोसी वर्क करता है तो टेंशन हो जाएगा एम जी माइनस बायोसी मान लेते हैं एम जी माइनस एम डैशी एमडैश क्या होता है वेट ऑफ लिक्विड स्पेस अब ये तो टेंशन आया अलोंगेशन कहां से लाए बेटा यंग्स मॉडुलस से एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल तो डेल्टा एल इक्वल टू हो गया एफ एल अपॉन ए वाई तो डेल्टा एल इक्वल टू हो गया टी एल अपॉन ए वाई बेटा वायर वो ही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मटेरियल वो ही है सेम लेंथ में कोई चेंज नहीं किया तो एलोगेशन प्रोपोर्शनल हो गया टेंशन के ठीक है तो क्या करें बेटा फर्स्ट केस में लेंथ में चेंज सेकंड केस में लेंथ में चेंज इक्वल टू फर्स्ट केस में फोर्स एम जी और सेकंड केस में एम जी माइनस एम डैश जी बेटा फर्स्ट केस में लेंथ में चेंज कितना था फाइव सेकेंड केस में फोर इक्वल टू एम अपॉन एम माइनस एम डैश फाइव एम माइनस फाइव एम डैश इक्वल टू फोर एम तो बेटा यहाँ से एम डैश फाइव एम डैश इक्वल टू हो गया एम अब एम डैश क्या होता था एम डैश होता था लिक्विड का मास तो ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम इंटू वाटर की डेंसिटी और ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो बेटा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितना आ गया फाइव इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिलेटिव डेंसिटी आपका फाइव आ जाएगा बेटा राइट तो अच्छा क्वेश्चन था इसमें एक्चुअली अच्छी बात क्या थी बेटा बायोसी भी यूज किया हुआ था और यंग्स uh, मॉडुलस भी आपका यूज किया राइट बेटा सो so, ये आपका पूरा अब इसमें बेटा एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी अगर आप यंग्स मॉडुलस वाले चैप्टर की बात करें अगर आप इलास्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बनते हैं इवन आप पुराने एग्जाम के क्वेश्चन भी देखेंगे चाहे जेई का इसका नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो यंग्स मॉडुलस वाले फार्मूला पे बनते हैं इलास्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में फिर अगर यंग्स मॉडुलस से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर चांस होता है बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्ट्रिसिटी पे बनेगा थर्मल स्ट्रेस को लेके क्वेश्चन बनेगा या कभी कभी एनर्जी पर आप क्वेश्चन अगर ढूंढने लगोगे ना तो आपको लगेगा लगभग फिफ्टी परसेंट रेशो होता है यानी अगर आपने ये वाला फार्मूला यंग्स मॉडल्स वाला फार्मूला भी याद कर लिया तो आपके चांस है कि फिफ्टी परसेंट तो क्वेश्चन इसी से आने के चांस बनेंगे बाकी फिफ्टी परसेंट में फिर तीन फार्मूला क्लियर होते हैं बाकी पूरा चैप्टर रिलेट करता है या पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांस है तो इसका मतलब आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए कि यंग्स मॉडल्स वाला फार्मूला तो हमें याद करना ही करना है मतलब इस पर तो और सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी फिर हम बात करें दूसरा जो चैप्टर आज पढ़ा हमने थर्मल एक्सपांशन थर्मल एक्सपांशन में बेटा ध्यान से आप देखोगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सीधा सीधा डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी इनको लेके बनता है यानी लेंथ में चेंज को लेके बनता है तो दोनों चैप्टर्स में लेंथ वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट बेटा चलिए तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ते जाएँ बेटा और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएँ अब आपके इसमें मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गए और लगभग लगभग हर चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं उसमें सारी वैरायटी जो पॉसिबिलिटी थी वो हमने डाल दी है राइट बेटा चलिए सो so, अच्छे से पढ़ते रहे ऐसे ही इसी तरह से बाकी नेक्स्ट टच नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम वापस आपके साथ आते हैं बेटा राइट बेटा चलिए थैंक यू